हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ किन्नौर सिचुएटेड? ऑप्शन ए है रिकोंगपियो, ऑप्शन बी महासू, सी नेसांग एंड डी चिटकुल। द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, रिकोंगपियो में जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हेन डिड किन्नौर बिकेम सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1966, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1972, ऑप्शन सी 1 मई 1960 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, 1 मई 1960 का जो है वो किन्नौर जो है वो सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का। इसे जो है वो चीनी तहसील महासू डिस्ट्रिक्ट की और 14 गांव जो है वो रामपुर तहसील के, उनको मिलाकर जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट थे बहुत है आपके चंबा, सिरमौर, मंडी, महासू एंड बिलासपुर, और इसको मिलाकर जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो गए थे हिमाचल प्रदेश के, चंबा, मंडी, बिलासपुर, महासू, किन्नौर एंड सिरमौर। तो किन्नौर जो है वो 6th डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 3 इज किन्नौर वाज पार्ट ऑफ डैश प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन ए है त्रिगर्त, ऑप्शन बी रामपुर बुशहर, ऑप्शन सी कहलूर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, रामपुर बुशहर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था किन्नौर जो है वो, रामपुर बुशहर रियासत का जो है था पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर स्टेट। तो बुशहर राज्य का जो है वो लास्ट अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है चतर सिंह, ऑप्शन बी केहरी सिंह, ऑप्शन डी राजा पदम सिंह एंड ऑप्शन डी प्रद्युमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा पदम सिंह जी थे जो थे वो इसके जो क्या थे लास्ट रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द माउंटेन पीक किन्नर कैलाश इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए है शिमला, बी सोलन, सी चंबा एंड डी किन्नौर। तो किन्नर कैलाश जो माउंटेन पीक है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी किन्नौर एंड ऑप्शन डी है सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी किन्नौर। किन्नौर जो है वो सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, नंबर 1 पर जो है वो है लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति का जो पर्सन है वो 2% पर स्क्वेयर किलोमीटर है और किन्नौर में जो है वो 13% पर स्क्वेयर किलोमीटर जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकंड रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम आफ्टर सोलन इन हिमाचल प्रदेश। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो है वो दूसरा सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन ए है किन्नौर, बी कुल्लू, सी कांगड़ा एंड डी शिमला। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, किन्नौर जो है वो सेकंड रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। नंबर 1 पर जो आता है वो है आपका सोलन और सोलन के बाद किन्नौर, किन्नौर के बाद जो है वो लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। इनमें से कौन सी झील जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए है लामा लेक, ऑप्शन बी नाको लेक, ऑप्शन सी महाकाली लेक एंड ऑप्शन डी घड़ासरू लेक। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, नाको लेक जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, बाकी की तीनों लेक्स जो हैं वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, लामा, महाकाली एंड घड़ासरू जो हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्पोक किन्नौरी। कितने परसेंट लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो किन्नौरी भाषा बोलते हैं 2011 की सेंसिस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए है 16.65%, ऑप्शन बी 7.03%, ऑप्शन सी 72% एंड ऑप्शन डी 74%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 72% पीपल जो हैं वो
किन्नौरी भाषा जो है वो बोलते हैं, और 16.65% जो है वो हिंदी बोलते हैं, और 7.03 जो है वो नेपाली भाषा जो है वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द नाथप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? नाथप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए है किन्नौर, बी चंबा, सी शिमला एंड डी कुल्लू। तो किन्नौर जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट फेयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए लवी मेला, ऑप्शन बी भिराला फेयर, ऑप्शन सी सिप्पी फेयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, लवी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो है वो फेयर है। इसको ट्रेड फेयर भी बोलते हैं, व्यापारिक मेला, इसमें जो है वो पशुओं का व्यापार होता है, लवी मेला। क्वेश्चन नंबर 10 इज, द लैंड ऑफ ग्रेप्स इज इन रिब्बा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो लैंड ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा को बोला जाता है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए रिब्बा, बी किन्नौर, सी चंबा, डी कुल्लू। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव ओल्ड नेम चिन्नी? इनमें से किसका जो है वो ओल्ड नाम, पुराना नाम जो था वो चिन्नी था? ऑप्शन ए है कल्पा, ऑप्शन बी रिकोंगपियो, सी सांगला एंड डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, कल्पा का ही पहले का नाम जो था वो चिन्नी था। क्वेश्चन नंबर 13 इज, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू विच लोकसभा? ऑप्शन ए हमीरपुर, बी शिमला, सी कांगड़ा एंड डी मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर इंडिपेंडेंस किन्नौर वाज ए पार्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? ऑप्शन ए पंजाब, बी रामपुर बुशहर, सी चंबा एंड डी शिमला। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, किन्नौर जो है वो रामपुर बुशहर रियासत का जो था वो पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 15, किन्नौर वाज कार्व्ड आउट ऑफ चिन्नी तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर जो है वो चिन्नी तहसील के कौन से जिले से लिया गया है? ऑप्शन ए है चिन्नी, बी महासू, सी कांगड़ा एंड डी शिमला। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, महासू डिस्ट्रिक्ट की चिन्नी तहसील से जो है वो किन्नौर जो है वो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, राजा केहरी सिंह द सन ऑफ राजा चतर सिंह वाज नोन एज बाई विच अदर नेम? राजा केहरी सिंह जो राजा चतर सिंह के बेटे थे उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अजान बाहू, ऑप्शन बी मोना, ऑप्शन सी टाइगर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, केहरी सिंह जी को वह अजान बाहू नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई विच नेम डिड तिब्बतन कॉल किन्नौर? तिब्बती जो लोग थे वो किन्नौर को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए खुन्नू, ऑप्शन बी बुशहर, ऑप्शन सी चागाज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, खुन्नू के नाम से जो था वो तिब्बती लोग जो है वो किन्नौर को खुन्नू बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 18, किन्नौर वाज द पार्ट ऑफ बुशहर स्टेट, द कैपिटल ऑफ बुशहर वाज कामरू, हु वाज द फर्स्ट रूलर? ऑप्शन ए है प्रद्युमन, ऑप्शन बी संसारचंद, ऑप्शन सी सुशर्मा चंद एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, प्रद्युमन जो थे वो फर्स्ट रूलर थे बुशहर स्टेट के। क्वेश्चन नंबर 19 इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए है 6,401 किलोमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन बी 5,031 किलोमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन सी 13,835 किलोमीटर स्क्वेयर एंड ऑप्शन डी 5,558 किलोमीटर स्क्वेयर। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, 6,401 किलोमीटर स्क्वेयर जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20, हुम डिड केहरी सिंह सपोर्टेड इन तिब्बती लद्दाखी वॉर? तो जो तिब्बती लद्दाखी युद्ध जो हुआ था उसमें केहरी सिंह जी ने किसको सपोर्ट किया था? ऑप्शन ए लद्दाखी, ऑप्शन बी तिब्बती, ऑप्शन सी ब्रिटिशर्स एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल थे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उन्होंने जो है वो तिब्बतियों को सपोर्ट किया था कैरी सिंह में, इसके बदले में उन्हें जो है वो तिब्बत से व्यापार करने के लिए जो है वो संधि हुई थी उनकी कि वो तिब्बत से जो है वो व्यापार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन विच मंथ इज सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए है जनवरी, बी मार्च, ऑप्शन सी अगस्त एंड ऑप्शन डी सितंबर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सितंबर, मार्च में जो है वो सैर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बसपा वैले इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए है कुल्लू, बी किन्नौर, सी कांगड़ा एंड डी चंबा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बसपा वैले प्रेजेंट है। बसपा वैले जो है वो एक रिवर वैले है, ठीक है, तो जो कि बसपा रिवर वहाँ से बहती है एंड सांगला जो है वो वहाँ का मेन टाउन है, तो इसलिए इसको जो है वो सांगला वैले भी बोलते हैं। एंड चिटकुल रक्षम जो है वो उसके विलेज हैं इस वैले में, बसपा वैले को सांगला वैले भी बोलते हैं एंड चिटकुल एंड रक्षम जो है वो वहाँ पे विलेज हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 23, इन विच बुक राइटर राहुल संस्कृतियान रिटन अबाउट दी नेटिव्स ऑफ किन्नौर। राहुल संस्कृतियान ने कौन सी बुक में किन्नौर के नेटिव्स के बारे में लिखा हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है किन्नर देश, किन्नर देश जो है वो बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 इज डेमन या राक्षस डांस वाज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए कांगड़ा, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू एंड डी किन्नौर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, किन्नौर में जो है वो डेमन डांस या राक्षस डांस भी इसको बोलते हैं, राक्षस नृत्य जो है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आदमी और औरतें हैं वो राक्षसों का मास्क पहनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है वो डांस करते हैं। ये डांस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि राक्षस जो है वो उनकी फसलों को जो है वो हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो गॉड भगवान होते हैं वो उनकी फसलों की जो है वो रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट परफॉर्म्ड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। इनमें से कौन सी डांस फॉर्म जो है वो किन्नौर में परफॉर्म नहीं होता है? ऑप्शन ए कियांग, ऑप्शन बी वाकियांग, ऑप्शन सी शांद एंड शाम्बू डांस एंड ऑप्शन डी चौहारा डांस। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, शांद एंड शाबू डांस जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ये डांस फॉर्म जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बाकी के तीनों डांस जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, कयांग बाक्यांग एंड चौहारा डांस जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, शांद एंड शंबू जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 26, फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए है किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी कांगड़ा एंड डी चंबा। तो फुलेज फेस्टिवल जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। तो फुलेज फेस्टिवल को जो है वो उकियांद, फुलेज फेस्टिवल को जो है वो उकियांद फेस्टिवल भी बोलते हैं एंड उकियम भी बोलते हैं। तो ऊ का मतलब जो होता है ऊ का मतलब जो होता है वो फ्लावर एंड क्यांग का मतलब होता है फेस्टिवल, तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो फुलेज को जो है वो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो फुलेज फेस्टिवल जो है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27, कामरू फोर्ट इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी चंबा, सी किन्नौर एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कामरू फोर्ट जो है प्रेजेंट है, और कामरू फोर्ट में जो है वो कामाख्या देवी का टेम्पल भी जो है वो प्रेजेंट है कामरू फोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 इज चिटकुल विलेज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी शिमला एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, किन्नौर में जो है वो चिटकुल विलेज जो है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 इज अच्छा चिटकुल विलेज को जो है वो आईआईटी दिल्ली ने जो है वो क्लीनेस्ट एयर इन द इंडिया जो बोला गया कि चिटकुल विलेज में जो है वो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर जो है वो प्रेजेंट है।
अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर? इनमें से कौन सा टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन ए माथी टेम्पल, ऑप्शन बी कामाख्या देवी टेम्पल, ऑप्शन सी शुभांग चंडिका टेम्पल एंड ऑप्शन डी तारा देवी टेम्पल। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है। तारा देवी टेम्पल जो है वो किन्नौर में प्रेजेंट नहीं है। तारा देवी टेम्पल जो है वो आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। बाकी के तीनों टेम्पल जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सा पावर प्रोजेक्ट जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन ए है नथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी शोंगटोंग बांगटू प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी बासपा हाइडल प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। बाकी के तीनों पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं। द अप नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रक्षम विलेज इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रक्षम विलेज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, बी चंबा, सी किन्नौर एंड डी कुल्लू। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किन्नौर में जो है वो आपका रक्षम विलेज जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।